कोई भी नया क्रिएटर जब भी YouTube में अपना चैनल बनाते हैं तो वो लोग बाकी सभी सेटिंग तो कर लेते हैं, पर वो लोग एक चीज़ नहीं सिलेक्ट करते हैं, और वो चीज़ है चैनल का कैटेगरी। YouTube में 15 या 16 ऐसा कैटेगरी दे के रखा हुआ है जिनमें से आपको कोई ना कोई कैटेगरी चूज़ करना चाहिए। अभी कैटेगरी क्यों चूज़ करना चाहिए या फिर इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, YouTube ने जो भी कैटेगरी दिया है उनमें से अगर आप कोई भी कैटेगरी चूज़ करते हैं तो YouTube को पता चलेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इससे YouTube का जो एल्गोरिथम है उसको पता लगेगा कि आपका जो वीडियो है वो वीडियो किस टाइप का लोगों के पास भेजना चाहिए। जब सही ऑडियंस के पास आपका जो वीडियो है वो जाएगा तभी तो आपका जो चैनल है वो ग्रो करेगा। नहीं तो मान लो मुझे देखना है फैशन शो, मुझे कोई दिखा रहा है कि काऊ कैसे पाले, मछली कैसे पाले, तो मैं थोड़ी ना देखूंगा, समझ रहे हो ना। तो सही ऑडियंस के पास अपना वीडियो जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपका जो चैनल है उसके हिसाब से आपका चैनल कौन सा कैटेगरी में आएगा वो आपको जान लेना है, और उसी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। अब हम बात करेंगे जो भी नया यूट्यूबर है, ज़्यादातर नया यूट्यूबर तो या तो गेमिंग में आते हैं या फिर ब्लॉगिंग में आते हैं। तो जो भी गेमर है उन लोगों के तो गेमिंग करके एक कैटेगरी है ही, पर जो ब्लॉगर है, जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहिए। देखो, इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मतलब यूट्यूब गुरु बात करते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट कैटेगरी में रखना चाहिए, पीपुलेंस ब्लॉग में रखना चाहिए, कोई कहते हैं मतलब आपको कार्स वगैरह में रखना चाहिए। देखो, ब्लॉगिंग जो कैटेगरी है ना, ब्लॉगिंग भी एक ही तरह से नहीं होता है, ब्लॉगिंग में भी अलग अलग टाइप का ब्लॉग है। कोई ट्रेवल ब्लॉग करते हैं तो कोई नया नया जगह जाते हैं तो ट्रेवल ब्लॉग हो गया, कोई लोग क्या करते हैं अपना डेली ब्लॉग करते हैं जैसे सौरभ जोशी वगैरह है, कुछ लोग हैं जो कार वगैरह देखते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, वो लोग अलग कैटेगरी में आ गया। तो ब्लॉगिंग का भी अलग अलग कैटेगरी है। देखो, ज़्यादातर जो ब्लॉगर है वो तो ज़्यादातर डेली ब्लॉगिंग ही करते हैं, तो अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं पीपुल्स एंड ब्लॉग का। और कुछ ऐसा ब्लॉगर है जो कॉमेडी ब्लॉग बनाते हैं, जैसे कि कभी आपने ट्रिगर इंसान का ब्लॉग देखा है, तो ट्रिगर इंसान वो ब्लॉग में भी कॉमेडी करते हैं, या फिर स्लेपन वो लोग ब्लॉगिंग में भी कॉमेडी करते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट में आप उस टाइप का अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो आप एंटरटेनमेंट में भेज सकते हैं। फिर कुछ ब्लॉगर है जो गाड़ी वगैरह का रिव्यू वगैरह भी करते हैं और गाड़ी वगैरह का ही वीडियो बनाते हैं, तो वो लोग कार्स एंड इन सब में जा सकते हैं। फिर कुछ ट्रेवल ब्लॉगर वगैरह है तो वो भी उसी तरीके से अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक डेली ब्लॉगर है तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो चैनल का कैटेगरी वो पीपुल्स एंड ब्लॉग नाम का जो कैटेगरी है उसमें ही रखें।